व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी पर, लेकिन मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, इसकी वजह से मैं इसको कुछ समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की पॉलिटी छोड़ दूंगा। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर पॉलिटी कंप्लीट कराओगे या नहीं कराओगे? यार क्यों नहीं कराऊंगा, जब एक बार बोल दिया है तो कंप्लीट जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों की पॉलिटी कंप्लीट जरूर होगी, तो इसके लेक्चर फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को लेक्चर मिला करते थे, फिर से आप लोगों को लेक्चर मिलने उसी तरीके से स्टार्ट होंगे। पर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक होमवर्क भी है। देखिए, हम लोग की क्या टेंडेंसी रहती है, नई नई किताबें ला के रखते रहते हैं, नए नए नोट्स बनाते रहते हैं, बस हम एक लाइब्रेरी टाइप की बना लेते हैं, पर लेकिन रिविजन नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क है कि आप लोगों को रिविजन करना है अपना। ठीक है, लगभग 70 से ज्यादा लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है, और उनकी पीपीटी भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप लोगों को उनका रिविजन करना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि एग्जाम में रिविजन ही काम आता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ, पर लेकिन एग्जाम में क्या होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। और रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट कब होता है, जब आप लोग रिवीजन करते हैं। तो सब लेक्चरों का लिंक जो है आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है, अगर आप लोग जो जिनके पास में इंटरनेट की कमी होती है, वो उनको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों को यूट्यूब पर आके ही उसका रिविजन करना है। ठीक है, एक बार देखने के बाद में अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है डाउनलोड मत कीजिए। अच्छा लगता है डाउनलोड करने के बाद में रख लीजिए उसको, और अपने मोबाइल में रखिए, जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो उसका रिविजन करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, डाउनलोड वही चीज किया कीजिए जो आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोगों को फ्यूचर में फायदा पहुंचा सकती है। वरना क्यों फालतू में अपना इंटरनेट और टाइम दोनों बर्बाद करने हैं। ओके, तो ऐसा कर लिया कीजिए, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, फिर उसको रिवीजन करने के लिए वहां पर मोबाइल में चलाकर देख सकते हैं किसी भी टाइम, भले ही आपके पास में इंटरनेट है या नहीं है। तो ये आप लोगों को रिवीजन जरूर करना है, बस ये मेरा आप लोगों को सजेशन जरूर रहेगा, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। जो अब तक मैंने लेक्चर सारे पॉलिटी के लिए हैं, वो देखिए आप लोगों का काफी अच्छे लेवल का बेस तैयार कर चुके हैं। आप लोग समझ सकते हैं उसमें से कम 60 से 65% जो क्वेश्चन है उन्हीं से आप लोग कवर हो जाएं, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्लियामेंट का पोर्शन वहां पर चल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन में वहां पर कवर कर चुका हूं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से आगे आने वाली जो पॉलिटिकल लेक्चर है उनके लिए मैं ये बोल सकता हूं, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर चुका हूं वहां पर। इस तरीके से आप लोगों को वो लेक्चर जरूर देखने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, देखिए पॉलिटी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पर चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, चाहे बैंकिंग की, कोई भी इसको देख सकता है, हर एक इंसान को उसका फायदा होगा। प्लस अगर कोई किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहा है तो वो भी इसको देख सकता है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया पॉलिटी को समझ सकता है, क्योंकि मैं लेक्चर को बिल्कुल एक ऐसे लेवल पर ले जाके पढ़ा रहा हूं कि हर एक इंसान को इसका फायदा हो सके, एग्जाम वाले को भी और जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी अपने राइट्स का पता चले कि फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है। पता होगा आप लोगों को, जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए तो कितने सारे लेक्चर मैंने वहां पर लिए थे, रीजन यही था कि आप लोग अपने राइट्स जान सके और उनका यूज कर सके अपनी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वो राइट्स हमारे लिए बनाए हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज क्या हैं, तो इनका हम सब लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं लेक्चर को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि कोई भी अगर मेरा लेक्चर देखे तो उसको फायदा हो। ठीक है, तो ये आप लोग भी माइंड में रखिएगा, आप लोगों को बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना है ओनली, आप लोगों को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी पढ़ना है। देखिए, मेरे हिसाब से दो लेक्चर ऐसे होते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो बात कर लो पॉलिटी की और दूसरी बात कर लो इकोनॉमी की, मतलब इनके बारे में आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए अगर आप लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, और नॉर्मल सी बात है आप लोग सोसाइटी में तो रहते ही हैं, तो इनका आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी आप लोगों से हर एक इंस्टेंट पे, हर एक मोमेंट पे आपसे जुड़ी होती है। चाहे आप लोग कुछ भी खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ भी आप लोग किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों ही इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट रहती है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग एक अपना आप अच्छा भविष्य भी आप लोग बना पाएंगे, अगर ये सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में उसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा, यहां पर आप लोगों को लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, पर आप लोग रिविजन भी जरूर करते रहिए। इसके साथ में नेक्स्ट जो स्टेप मैं अब लेने जा रहा हूं वो है आप लोगों की पीआईबी। ठीक है, पीआईबी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको नहीं पता है पीआईबी के बारे में, इसको बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी है जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है, तो सारी गवर्नमेंट की न्यूज वगैरह यहाँ पर कवर कर ही जाती है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक मतलब सजेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर मांग रहा हूँ कि आप लोग पीआईबी के साथ में से पीआईबी स्टार्ट करूंगा, तो पीआईबी तो स्टार्ट करूंगा, आप लोग नीचे सजेशन दीजिए कि उसके साथ में एडिशन क्या चाहते हैं पीआईबी के साथ में, पीआईबी के साथ में और भी कुछ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या ऐड कर सकता हूँ, आप लोग अपने सजेशन दीजिए, उनमें से मैं चूज करूंगा कि आप लोग यहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे आप लोगों के सजेशन आएंगे और एक ऐसे सजेशन आएंगे कि सबको फायदा पहुंचा सके, तो वो सारे सजेशन मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करूंगा अपने आने वाले लेक्चर के अंदर, तो सजेशन जरूर दीजिएगा। स्टार्ट किस दिन करूंगा ये मैं सजेशन देखने के बाद में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा,
कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कम से कम टाइम में किस तरीके से पीआईबी का मिल सके, वो मेरा मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ाने का पर्पज रहेगा। ऐसा मेरा एक तरीके से स्ट्रक्चर रहेगी मेरे लेक्चर की, ताकि आप उसको अच्छे से इंजॉय भी कर सकें और विद इन द टाइम, मतलब एक टाइम लिमिट में ही खत्म हो जाए, ज्यादा आप लोगों को टाइम भी अपना यहाँ पर इन्वेस्ट न करना पड़े। ठीक है, तो उस तरीके से मैं लेक्चर लेके चलूंगा। तो ये लेक्चर मेरे यहाँ पर आया करेंगे, तो पॉलिटी वगैरह देखेंगे किस तरीके से कवर करनी है। आप लोग सजेशन दीजिए पॉलिटी के बारे में भी और पीआईबी के बारे में भी, ज्यादा सजेशन पीआईबी के बारे में आप लोग दीजिएगा। पॉलिटी तो ऑलरेडी चली रही है वैसे, कि किस तरीके से आप इसको चेंज कराना चाहते हैं, मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं, क्या मतलब आप लोगों के क्या क्या सजेशन यहाँ पर हो सकते हैं, वो सारे आप लोग नीचे जरूर बताइएगा, फिर मैं पीआईबी का भी लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों के सजेशंस का इंतजार रहेगा, सजेशन जरूर दीजिएगा, चाहे पॉलिटी के हो या फिर पीआईबी के हो। और अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव रखिए जितना हो सकता है, और मिलजुल कर रहिए और इंजॉय कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।